गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और ये आपका उसी कंटिन्यू सीरीज में थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एसएसटी, जो आपको शायद पता होनी चाहिए। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज अबाउट हम कई जगह पे पढ़ते हैं कि इंग्लैंड, कई जगह पे हम पढ़ते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन, कई जगह पे हम पढ़ते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो क्या ये सभी एक ही कंट्री है, या जैसे हम भारत को बोलते हैं इंडिया, भारत, आर्यभ्रत, है ना, तो क्या ये हम हिंदुस्तान, क्या हम ये एक ही जगह के अलग अलग नाम है, या इनका ज्योग्राफिकल भी कोई डिफरेंस है? तो उस चीज को जब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो मैं अगर चाहता तो मैं पहले ही उसकी आपको ड्राइंग बना के फिर मैं आपको समझाता, लेकिन आपके सामने वो ड्राइंग बने ताकि आप उस चीज को समझ सके मैं आपको कहाँ लेके जाना या क्या आपको समझाना चाहता हूँ, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अभी हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जब हम इंग्लैंड बोल रहे हैं तो हमारे माइंड में कौन सा पिक्चर आनी चाहिए, जब हम ग्रेट ब्रिटेन बोल रहे हैं तो कौन सी, और जब हम यूनाइटेड किंगडम बोल रहे हैं तो कौन सी पिक्चर हमारे माइंड में आनी चाहिए, यानी कि कौन सी जगह की ये बात कर रहे हैं, राइट? और ये सभी की जो कैपिटल है दैट इज लंदन, राइट? जो भी, क्योंकि ये अपने आप में सॉवरन है, राइट? यूनाइटेड किंगडम सॉवरन है। सॉवरन क्या होता है वो जब हम प्रीएम्बल देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। वैसे सॉवरन होता है जो जिसका अपनी कंट्री के ऊपर अपने सारे रूल्स को बनाने का, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, अपना खुद का उनका अधिकार होता है, वो किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन ना ले, उनको सॉवरन कंट्री बोला जाता है। तो हम किसके बारे में देखेंगे, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन और यूके, ठीक है, इनके बीच में हम डिफरेंस आज देखने जा रहे हैं। और इसको जब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो उससे पहले हम एक बार इंग्लैंड की लोकेशन देख लेते हैं। और मैं जानता हूं कि आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लगभग 190 साल तक इन्होंने ही हमें अपना गुलाम बना के रखा था, है ना, और इस वजह से हमें उनकी कम से कम लोकेशन तो पता होनी चाहिए कि वो कहाँ है। लेकिन भले ही उन्होंने हमें गुलाम बनाया, लेकिन इंग्लैंड एज अ, जब मैं एज अ रैशनल ह्यूमन बींग जब देखता हूँ कि इंग्लैंड को, तो उसके लिए मेरे दिल में बहुत ही बेइंतहा इज्जत है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी का, रिसोर्सेज का, हर चीज का इस्तेमाल करके कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने कितने लंबे समय तक लगभग पूरे विश्व को ही अपने कब्जे में ले लिया था, अगर मैं कहूँ तो, ये मतलब कोई ज्यादा उनके बारे में नहीं होगा, तो वो मैं इस चीज को लेके उनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हम चलते हैं, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हम जब यूरोप की तरफ जाते हैं, ये पूरा यूरोप है आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी, और इनके बीच में नीदरलैंड एंड बेल्जियम, इनके साइड में ये इंग्लैंड है, ये एक आइलैंड है, आइलैंड आई होप यू नो, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। यहीं पे आप ध्यान दें, ये जो ये आइलैंड है इसके साथ में एक और कंट्री है, दैट इज आयरलैंड, राइट, आयरलैंड। अब मैं आपको ये जानबूझ के आपको ये बता रहा हूं, अदरवाइज हमारा टॉपिक जो है वो इंग्लैंड ही है, आयरलैंड को टच करने का कोई मेरा इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका क्या रीजन है, मैंने आपको क्यों बताया वो अभी हम देखेंगे। तो जब आप इंग्लैंड, जो आपने वहां पे अभी देखा है, जिसकी कैपिटल लंदन है, या मैं अभी जो इंग्लैंड बोल रहा हूँ आप उसको कुछ भी समझें, जो भी आप समझते हैं, ग्रेट ब्रिटेन या यूके, राइट, तो वो उसकी जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे वो लगभग इस तरीके का बना हुआ है, राइट। और इसको मैं और अच्छे से अगर बनाऊं, और ये वाला जो एरिया है वो लगभग इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि ये क्या है, दिस इज आयरलैंड, ये क्या है, आयरलैंड, ये कौन सी कंट्री है, आयरलैंड, अभी आप इसको इतना समझें। और ये जो पोर्शन है, ये जो आइलैंड है, ये क्या है, अभी आप इसको इंग्लैंड समझ लें तो इंग्लैंड, यूके या ग्रेट ब्रिटेन। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लैंड किसको बोलते हैं, जब हम इंग्लैंड बोल रहे हैं तो हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, इसको हम एक तो यहां से डिवाइड कर देते हैं और एक हम यहां से, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये इंग्लैंड है, और यहां पे है इनकी कैपिटल लंदन, राइट, यानी जब भी हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, राइट। ये वाला जो पार्ट है इसको, ये है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, मैंने बताया था ना कि जो इकोनॉमिक्स के फादर है, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी, एडम स्मिथ, वो कहां से थे, स्कॉटलैंड से, तो ये वाला वो एरिया है स्कॉटलैंड, इसलिए उनको अलग से बोला जाता है स्कॉटलैंड। और ये है वेल्स, राइट, ओके। मैंने क्या बताया कि ये वाला जो एरिया है, दिस इज, अगर हम इसको नाम दे देते हैं वन, वन क्या है, वन क्या है, दिस इज इंग्लैंड, राइट, वन हो गया। अब हम देखते हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट को, यानी कि इंक्लूडिंग दिस एंड दिस, इसको हम नाम दे देते हैं टू और इसको हम नाम दे देते हैं थ्री। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो पूरा आइलैंड है, यानी कि ये जो
जो चारों तरफ से मतलब इसके पानी है जहां पे, ये जो है यानी कि 1 + 2 + 3 इसको हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि आपको पता चल गया इंग्लैंड हम इसको बोलते हैं इस एरिया को, जब हम ग्रेट ब्रिटेन बोल रहे हैं तो हम उसमें स्कॉटलैंड और वेल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। और यूनाइटेड किंगडम क्या है? अब यूनाइटेड किंगडम क्या है कि इसमें आपको दो चीजें आपको समझनी होगी मेरे बच्चों। एक तो ये कि आपको पता है कि इंग्लैंड ने बहुत सारी कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनाया था, है ना, इंडिया भी उसमें से एक था, बड़ी बड़ी छोटी छोटी। तो कई आइलैंड्स ऐसे हैं जो आज भी उन्हीं के अंडर में, राइट, उन्होंने उसमें से अपना उनको आजाद नहीं किया या उनको अपना ही एक पार्ट मान लिया। वो छोटे छोटे आइलैंड्स काफी हैं, यानी कि वो कोई पैसिफिक ओशन में, कोई किसी ओशन में, कोई इंडियन ओशन में, लेकिन उनका डायरेक्ट वहां पे रूल है, आइलैंड्स, है ना। जब हम यूनाइटेड किंगडम की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि सबको जब यूनाइटेड किया जाता है, तो उसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि उन आइलैंड्स को आपको ध्यान रखना है, दूसरा ये जो मैंने आपके सामने बनाया था, ये मैं मिटा देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाए। ये हमने बनाया था दैट आयरलैंड, है ना, ये आयरलैंड। यहां पर एक पोर्शन ऐसा है, इसको बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ वाला एरिया, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ नॉर्दर्न आयरलैंड। ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, जैसे स्कॉटलैंड है, वेल्स है, वैसे नॉर्दर्न आयरलैंड भी है। ये भी जब यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, यानी कि ये वाला एरिया भी इसके अंदर ऐड हो जाता है, और इसको हम नाम दे देते हैं फोर्ड, राइट। इसको हमने क्या नाम दे दिया? फोर्ड। और ये क्या है? नॉर्दर्न आयरलैंड। और इसको आपको ये नॉर्दर्न आयरलैंड और ये आयरलैंड तो क्या डिफरेंस हुआ? तो ये तो इसका पार्ट हुआ, पहली चीज तो ये। और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, मैंने आपको बताया था ना, प्लेटो, प्लेटो ने वो बुक लिखी, वो ऐसे उनकी एक वो थी कृति थी कि जिसके कारण हर कंट्री चाहती कि उनके आगे रिपब्लिक लगे, तो वो इम्पोर्टेंस रिपब्लिक। तो यानी कि अपने आप में एक सॉवरन कंट्री है, सॉवरन, और ये जो है ये इसका पार्ट है। ये आप हिस्ट्री में भी देखेंगे 10th क्लास में, और आपकी सिविक्स में भी इसका जिक्र है। तो आप देखेंगे यानी कि जब हम इसकी बात करें तो ये वन, और जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो 1, 2, 3, और जब हम पूरे यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं तो जो आइलैंड्स हैं उनको हम नाम दे देते हैं 5 आइलैंड्स, इसको हम नाम दे देते हैं 5। यानी कि 1 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सबको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, राइट। तो यूनाइटेड किंगडम इन सबको प्यारे बच्चों बोला जाता है, और इनकी कैपिटल आपको पता है लंदन है। तो मैंने ऐसी कोशिश की कि शायद आप आज यूनाइटेड किंगडम और ये वाला टॉपिक भी आपका आपको समझना 10th के लिए भी आपको जरूरी, क्योंकि उसमें भी इसके बारे में आपके हिस्ट्री में है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज। इफ यू वॉन्ट टू हैव एन आइडिया तो गुड लक, लव यू ऑल।